कीर्तन से स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा बन चारी, कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे। जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव जय गौर निताय, जय गौर निताय गौर निताय जय गौर निताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि गौ हरि गौ हरि गौ निताय गौर। श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय। कलम श्रवण कर रहे थे श्री चैतन्य भागवतम के अंत्य खंड से। भगवान गौर सुंदर की लीलाओं का श्रवण कर रहे थे। जिसमें गौर सुंदर अपनी विभिन्न लीलाएं करके भक्तों को आनंद दे रहे हैं। कल हमने श्रवण किया था कि गौर सुंदर जो है सभी का उद्धार कर देते हैं, केवल पापियों को या जो दुर्व्यवहार करें या वैष्णव के अपराधी हैं उनको छोड़ के सभी को क्षमा कर देते हैं। आगे इसके आगे हम श्रवण सुनेंगे। ये सब जो वार्तालाप हो रहा है, जब भगवान नीलांचल की यात्रा कर रहे हैं और नीलांचल में जो टोल कलेक्टर है, टोल टैक्स कलेक्टर है, टोल टैक्स एकत्र करने वाला है,
वो जो जब टैक्स कलेक्ट कर रहा था तब उसने महाप्रभु को देखा, महाप्रभु की आंखों से आंसू भर रहे थे। तो टोल कलेक्टर ने उस समय रिस्पेक्टफुली आदर के साथ में भक्तों से पूछा, आप कौन है, आपका लीडर कौन है? सबने बोला, आपने श्री कृष्ण चैतन्य का नाम सुना होगा, वही हमारे लीडर है, वही सबके भगवान है, हम सब उसके सेवक हैं। और सबके भक्तों के आंखों से आंसू बह रहे थे जब उन्होंने टोल कलेक्टर को देखा, जो टोल टैक्स टैक्स लेता है रोड पे। बंगाल से उड़ीसा में प्रवेश करने के लिए वहां पे टोल टैक्स कलेक्टर को, जो टोल टोल्स एकत्र करने वाला व्यक्ति है, उसको देख के बहुत आश्चर्य हुआ और उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। वो तुरंत गया, उन चैतन्य महाप्रभु के चरणों पर गिर पड़ा, उनको दंडवत प्रणाम किया और बड़ी नम्रता के साथ कहा, आपको देखकर मेरे संतुष्टि है, क्योंकि मैंने जो पुण्य जन्मों के कितने करोड़ों जन्मों के जो पुण्य इकट्ठे करे थे, आज वो सफल हो गए, उसे संतुष्टि मिली। मैंने आपसे टैक्स मांगा है, करुणा के सिंधु मुझे मेरा अपराध क्षमा कर दीजिए, आप जल्दी से नीलांचल चल जाइए। भगवान ने इस प्रकार से टोल कलेक्टर के ऊपर अपनी दृष्टि डाली और हरि का नाम लेते हुए चले गए। गौर सुंदर सभी को उद्धार कर देते हैं, पापी को छोड़ के जो इल बिहेव्ड, ठीक व्यवहार नहीं करता, जो वैष्णव अपराधी। असुर द्रविड़ चैतन्य रघुन नामे अत्यंत दुष्कृति पापी से महिमा। हर कोई जो असुर था, भगवान का नाम और गुणा सुन के, चैतन्य का नाम सुन गुणों सुन के हृदय परिवर्तन हो गया। केवल जो सबसे पापी व्यक्ति रहते हैं वो उनको स्वीकार नहीं करते हैं। नमत नीलांचले वैकुंठ रमत आई सेना सवारे करिया दृष्टिपात। इस प्रकार से जो वैकुंठ के भगवान है, उन्होंने सबके ऊपर कृपा दृष्टि डाली और नीलांचल की जो जगन्नाथपुरी की यात्रा वो कंटिन्यू करी। निज प्रेमानंदे प्रभु पथ नहीं जाने, अहर निशास वही हला प्रेम रस पाने। अपने इस आध्यात्मिक प्रेम में भगवान जानते नहीं थे किस तरफ जाना है। दिन और रात्रि वो भगवान का आनंद पाके अति उत्साहित थे। ऐ मत महाप्रभु चलिया सीते कते दिने उतरिला स्वर्ण रेखा थे। इस प्रकार से ट्रैवल करते हुए महाप्रभु कुछ दिनों में सुवर्ण रेखा नदी पर के किनारे आ गए। महाप्रभु जो है स्वर्ण रेखा नदी के किनारे, एक पर्टिकुलर किनारे पे आए। गौर सुंदर स्वर्ण रेखा नदी के किनारे आए, जहां से जगन्नाथपुरी जाने वाले सारे यात्री जाते हैं। स्वर्ण रेखा रे जल परम निर्मल स्नान करी लेना प्रभु वैष्णव है सकल। भगवान और वैष्णव ने उसमें स्नान किया, स्वर्ण रेखा नदी के पवित्र जल में स्नान किया। स्नान करी स्वर्ण रेखा नदी धन्य करी चली रहना श्री गौर सुंदर नरहरि। गौर सुंदर जो कि हरि है, मनुष्य शरीर में हरि के रूप में है, मनुष्य शरीर के रूप में हरि है
उन्होंने स्वर्णरेखा नदी में स्नान करके उसके जल को पवित्र बना दिया और इस प्रकार से अपनी यात्रा कंटिन्यू करी। रहिला अनेक पाछे नित्यानंद चंद्र समत तहारे सबे श्री जगदानंद। नित्यानंद जो थे वो श्री जगदानंद की कंपनी में वो बहुत पीछे रह गए थे। कते दूरे गौरचंद्र वासी ने ना गिया नित्यानंद स्वरूप अपेक्षा करिए। गौरचंद्र जो है कुछ दूरी आगे गए और फिर बैठ गए नित्यानंद का इंतजार करने के लिए। स्वर्णरेखा नदी में स्नान करने के बाद आगे बढ़ रहे हैं। चैतन्य आवेश मत नित्यानंद राय विहले रा मत व्यवसाय सर्वथा। नित्यानंद जो है हमेशा चंचल बने रहते थे और नशे में कौन से मदमस्त में थे, भगवान चैतन्य के विचारों के नशे में थे। काखा न हुंकार करे काखा न रोदन क्षणे अत्यहा क्षणे वा गर्जन। कई बार वो बहुत जोर से गर्जना करते, कई बार वो क्राई करते रोते, कई बार बहुत जोर जोर से हंसते और कई बार बहुत जोर से ध्वनि करते। क्षणे मा नादिरा माझे एदेना शांता क्षणे सर्व अंगे धूला माखे ना पा। कई बार वो नित्यानंद प्रभु के बारे में बताए, कई बार वो नदी के मध्य में तैरते, कई बार वो धूल जो है सब अपने शरीर में लगा लेते। क्षणे वा ये आच्छादन खाए ना प्रेम रस चूर्ण है अंग है ना सर्वलोक के वास। कई बार वो प्रेम में वो इतनी जोर से गिरते हैं ग्राउंड पे कि हर कोई सोचता है कि उनके जो लिम्स हैं वो ब्रेक हो गए, उनके शरीर के अंग जो है ब्रेक हो गए। अपन अपनी नृत्य करे न काखा तले माला करे पृथ्वी तत्क्षण। कई बार वो अपने आप डांस करते और अर्थ जो है पृथ्वी जो आगे पीछे होती रहती है। ऐसा कल कथा ताने किचु चित्र नये अवतीन अपने अनंत महाशय। ऐसी सारी लीलाएं उनके लिए अद्भुत नहीं थी क्योंकि वो अनंत हैं। इस जगत में अवतरित हुए अनंत भगवान के नित्यानंद कृपया है सब शक्ति है निरावधि गौर चंद्र जहाँ रे हृदय। ये सारे जो लीला है नित्यानंद की कृपा से ही संभव थी कि गौरचंद्र जो है कॉन्स्टेंटली नित्यानंद प्रभु के हृदय में निवास करते हैं। नित्यानंद स्वरूपे तुया एक स्थाने चलीला जगन्नाथ जगदानंद भिक्षक अन्वेषण। जब नित्यानंद प्रभु ने एक जगह पे एक स्थान पे इंतजार किया जगदानंद, नित्यानंद प्रभु एक जगह रुके तो जगदानंद उनके लिए भिक्षा मांगने गए। ठाकुर दंड अभी ये सब दोनों लोग जो है चैतन्य महाप्रभु बहुत आगे चले गए, ये दोनों पीछे रह गए। चैतन्य महाप्रभु वहां पे इंतजार कर रहे हैं आगे। ठाकुर एरा दंड श्री जगदानंद वाहे दंडत हुई नित्यानंद स्वरूप एरे कहे। ठाकुर एरा दंड मन दियो सावधाने भिक्षा करिए अमिया असीबा के एक क्षण। श्री जगदानंद जनरली सामान्यतः भगवान का दंड अपने साथ में ले जाते।
जगदानंद पंडित जो है भगवान का दंड अपने साथ में ले जाते हैं। उन्होंने वो दंड जो है नित्यानंद स्वरूप नित्यानंद प्रभु को हैंड ओवर कर दिया और कहा, नित्यानंद प्रभु से बोला कि भगवान का दंड संभालिए, मैं कुछ मिनट में भगवान आपके लिए भिक्षा लेके आता चैतन्य महाप्रभु का दंड नित्यानंद प्रभु ने संभाला। आथे भी आथे नित्यानंद दंडधारी करे वासीले न से स्थाने विहले अंतर। एक बहुत उत्तेजित हृदय से नित्यानंद प्रभु ने वो दंड छीना जगदानंद पंडित से और वहां बैठ गए। दंड हाथे करी हसे नित्यानंद राय, दंडे रह सहित कथा कहे न लीला। दंड को अपने आप में रखकर नित्यानंद प्रभु जोर जोर से हंसने लगे। अपने लीला के रूप में उन्होंने फिर दंड से बोला, क्योंकि दंड भी भगवान का सेवक है और वो नित्यानंद का ही एक अंश। ओह दंडे हम ही जा रहे वही हृदय से तुम्हारे वही बेकाए ता युक्त न है। ओ दंड ये उचित नहीं है कि जिन भगवान को मैं अपने हृदय में धारण करता हूं वो भगवान आपको धारण करें। दंड से बोल रहे, क्योंकि दंड भी नित्यानंद या बलराम का ही स्वरूप एक अंश है। तो नित्यानंद प्रभु दंड से लेते हैं वो जो संन्यास का दंड रहता है, चैतन्य महाप्रभु का संन्यास का दंड। चैतन्य महाप्रभु का संन्यास का दंड अभी जगदानंद पंडित ने संभाला था, उन्होंने अभी नित्यानंद प्रभु को थोड़ी देर के लिए दिया है जब तक कि वो भिक्षा मांगने गए, और चैतन्य महाप्रभु तो बहुत दूर थे। तो चैतन्य महाप्रभु के दंड को नित्यानंद प्रभु कहते हैं वो दंड। ये उचित नहीं है कि जिन भगवान को मैं अपने हृदय में धारण करता हूँ उसको भगवान धारण करें, उसको उन भगवान को तुम्हें धारण करना पड़े। तो जब से चैतन्य गौर चंद्र ने संन्यास स्वीकार किया था वो दंड अपने साथ में रख रहे थे, पर कई बार जगदानंद प्रभु जो है महाप्रभु का दंड ले जाते थे और भिक्षा लेके आते थे। तो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी था जगदानंद पंडित का कि महाप्रभु के दंड को सुरक्षित रखना। तो महाप्रभु के दंड को इस प्रकार स्वीकार के नित्यानंद प्रभु जगदानंद नित्यानंद प्रभु ने जगदानंद पंडित से दंड लिया और दंड को बोला, तुम तो कृष्ण को हमेशा अपने हृदय में धारण करते हैं जो 14 लोकों के स्वामी हैं, हम उनके सेवक हैं। तुम अपराध कर रहे हो कि भगवान को तुमको ले जाना पड़ रहा है, इसलिए ये बहुत उचित है। तुम हमारे भगवान के भगवान मत बनो, तुम हमारे भगवान के भगवान मत बनो। महाप्रभु को महाप्रभु को और सेवा मत कराओ, तुमको महाप्रभु को धारण करने की जरूरत नहीं है। तो जो प्राकृत सहजी हैं, जो तथाकथित डिवोटी हैं,
वो कृष्ण में इंगेज रहते हैं, उनके सेंस ग्रेटिफिकेशन के इनके इंद्रिय तृप्ति के आइटम जैसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, लेकिन डिवोटी की मेंटेलिटी ऐसा नहीं रहता। इत बलि बलराम परम प्रचंड फैली लेना दंड भागी करी तीन भंग करी तीन खंड, इस प्रकार से बोलते हुए मोस्ट पावरफुल नित्यानंद ने जो बलराम का ही स्वरूप है उन्होंने दंड को तीन पीस में ब्रेक कर दिया। चैतन्य महाप्रभु के दंड को चैतन्य महाप्रभु को पता नहीं, वो तो अभी आगे गए थे, उनके दंड को तीन भागों में बांट दिया। तो तीन तीन में पीस में बांटा, इसका क्या मतलब है? जो एक दंडी होते हैं मायावादी होते हैं वो तीन तीन दंडी को मानते नहीं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु जो है उन्होंने लीला के लिए एक दंड संन्यास स्वीकार किया और नित्यानंद प्रभु ने उस दंड को तीन पीसों में ब्रेक कर दिया और त्रिदंड बना दिया। उन्होंने फिर ये सेवा दी भगवान के सेवकों को, ये तीन दंडों को ले जाने की सेवा दी। तो तीन दंड का मतलब क्या होता है, इसका आगे हम वर्णन सुनेंगे। तो पहले तो रूप गोस्वामी जो है, रूप गोस्वामी लिखते हैं हंस गति सेक्शन ऑफ महाभारत, वाचो वेगम से बोलते, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उतरपस्थ वेगम एतान वेगानी विशेत धीर सर्वामपि माम प्रथिम से शिष्य। एक सोबर पर्सन जो जीवा के वेग को नियंत्रित कर सकता है, मन के मांगों को कंट्रोल कर सकता है, क्रोध के क्रिया को कंट्रोल कर सकता है, और जीवा बेली और जेनिटल के कंट्रोल कर सकता है, वो सारे जगत में शिष्य बना सकता है। ये जो है यही व्यक्ति जो है त्रिदंडी संन्यास ग्रहण कर सकता है, और सारे त्रिदंडी संन्यासी किस तरह रूप गोस्वामी की शिक्षाओं पर चलना चाहिए। तो नित्यानंद प्रभु ने गौर सुंदर के एक दंड को तीन दंड में कर दिया कि उनको, हालांकि भगवान तो वैसे ही भगवान को दंड रखने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने एक दंड को त्रिदंड कर दिया। बिना त्रिदंडी बने कोई भी व्यक्ति अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता। त्रिदंड के सिद्धांत में कर्म कर्म कांड में इंद्रदंड, व्रजदंड और ब्रह्मदंड कंबाइन करके जीव दंड बनते हैं। त्रिदंड के बारे में श्री गुरु रूप गोस्वामी ने लिखा है कि जो ट्रांसेंडेंटल जो आध्यात्मिक त्रिदंडी होते हैं वो बॉडी माइंड और स्पीच को कंट्रोल करते हैं, और जब ये त्रिदंडी जीव दंड से कंबाइन होता है ये एक दंडा परमहंस धर्म बन, जब तीन दंडे कंबाइन होके बनते हैं तो एक दंडा होता है और ये परमहंस धर्म होता है।
आगे कहा गया, ईश्वरे इच्छा मात्र, ईश्वरे से जाने केना भांगी, लेना दंड जानी वे की माने। केवल भगवान की लीला को केवल भगवान ही जान सकते हैं। मैं कैसे जान सकता कि उन्होंने, नित्यानंद प्रभु ने 3 दंडों को क्यों तोड़ा? नित्यानंद ने ज्ञाते गौर चंद्र अंतर नित्यानंदेर ओ जाने श्री गौर सुंदर। नित्यानंद प्रभु जानते हैं गौर सुंदर का मन, और गौर सुंदर जानते हैं नित्यानंद प्रभु का मन। जुगे जुगे दुई भाई श्री राम लक्ष्मण, दोहर अंतर दोने जाने अनुक्षण। हर युग में दोनों भाई राम और हर युग में दोनों भाई आते हैं, जैसे राम लक्ष्मण, और एक दूसरे का मन जानते हैं। एक वस दुई भाग भक्ति भाई पूजयते, गोरचंद्र जानी सबे नित्यानंदे हाई थे। तो एक ही भगवान है, अभी 2 रूप में आए हैं, गौर सुंदर और नित्यानंद। दो प्रकार की भक्त दो बन गए, एक ही भगवान दो बन गए भक्ति बताने के लिए। कोई व्यक्ति गौर सुंदर को नित्यानंद के प्रभु के द्वारा ही जान सकता है। स्वयं रूप चैतन्य महाप्रभु, स्वयं प्रकाश नित्यानंद प्रभु, दोनों एक ही है। जैसे चतुर्व्यूह या क्वाड्रिपल एक्सपेंशन में हर एक स्वरूप एक ही, जो चैतन्य महाप्रभु स्वयं रूप है और नित्यानंद प्रभु स्वयं प्रकाश। साधना करके, जब कोई साधना करते हैं भगवान गौर सुंदर को पाना चाहता है, तो उसकी भक्ति में बाधा आती है। और नित्यानंद प्रभु का उल्लंघन करके गौर सुंदर की भक्ति में बाधा आती है। तो नित्यानंद प्रभु हैं जो गौर सुंदर की प्रचार में, भगवान का प्रचार में 10 डिफरेंट रूपों में सेवा करते हैं, 10 रूपों में। जो विष्णु के डिवोटी होते हैं वो त्रिदंड स्वीकार करते हैं, और जो त्रिदंडी होते हैं वही परमहंस के स्टेज तक जाते हैं, जबकि एक दंडी होते हैं वो, जो एक दंडी होते हैं वो मायावाद सिखाते हैं और अपना स्वयं की स्थिति नहीं जानते। नित्यानंद प्रभु स्वयं जो है आध्यात्मिक चीजें बताते हैं। नित्यानंद प्रभु भी जानते हैं कि भक्ति के अनुकूल आइटम क्या क्या है। बलराम बिना अन्य चैतन्य दंड भांगी बारे पारे है ना के अच्छे प्रचंड। बलराम के अलावा और कौन पावरफुल व्यक्ति है जो चैतन्य महाप्रभु के दंड को तोड़ सके? तो सकल बुझाए चले श्री गौर सुंदर, जे जान ने मर्म सही जन सुख तरे। इस बहाने गौर गौर सुंदर ने सबको बताया है, कोई भी व्यक्ति जो इस सत्य को समझ सकता है उसका उद्धार हो सकता है। दंड भांगी नित्यानंद ने आछे ने वशिया ने के जगदानंद में लई आशिया। दंड को इस प्रकार से तोड़ने के बाद में नित्यानंद प्रभु वहां बैठ गए, और थोड़ी देर बाद जगदानंद प्रभु भी वहां पे आ गए। भगना दंड देखी महा हैला विस्मित, अंतरे जगदानंद ने हैला चिंतित। दंड को टूटा हुआ देखकर तो जगदानंद जब वापिस आए तो बहुत चिंतित हो गए, बहुत अंदर से डर गए कि महाप्रभु का दंड था, मैंने नित्यानंद प्रभु को दिया और तोड़ दिया उन्होंने।
वार्ता जिज्ञासे दंड भांगी लेके नित्यानंद है, बोले दंड धारी लेके ये। उसने आस जगदानंद पंडित ने जब आया तो पूछा कि दंडा किसने तोड़ा महाप्रभु का। नित्यानंद प्रभु बोला जिसने इसको पकड़ा था उसी ने तोड़ा। आपन अरे दंड प्रभु भांगी आपने तारा दंड भांगी ने की पारे अन्य जन। भगवान ने स्वयं अपना दंड तोड़ दिया है, और किसकी कैपेसिटी के जो उस दंड को तोड़ सके। सुनी विप्र आरना करीला प्रत्युत्तर भांगा दंड लाइए मात्र चलीला सत्वर। जब जगदानंद पंडित रिप्लाई सुना उन्होंने कुछ नहीं बोला, वो उन्होंने चुपचाप वो टूटा हुआ दंडा लिया और चल पड़े। मसीह अच्छा नहीं यथाश्री गौर सुंदर है भांगा दंड फैली दिला प्रभु रघुचर। वो वहां पे चले गए जहां पे गौर सुंदर बैठे हुए थे और उनके सामने उन्होंने वो दंड रख दिया। इस प्रकार से जगदानंद पंडित ने कुछ नहीं बोला, प्रभु दंड जो है भगवान के सामने रख दिया। इसके आगे की जो कथा है वो हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास को थोड़ा जल्दी समाप्त करेंगे, यहीं पे समाप्त करेंगे। ये थी चैतन्य महाप्रभु के दंड की दंड भंग लीला। ये एक स्थान भी है स्वर्ण रेखा नदी के नदी के आगे, स्थान दंड भंग लीला जहाँ पे हुई थी भगवान की नित्यानंद। तो अभी चैतन्य महाप्रभु को जब पता लगेगा वो पूछेंगे किसने तोड़ा, फिर नित्यानंद प्रभु बताएंगे। इसको बोलते हैं दंड भंग लीला, मतलब भगवान का नित्यानंद प्रभु ने दंड को 3 पीस में तोड़ दिया। अभी आगे जो वार्तालाप होगा उनको उससे पता लगेगा कि किस किस लिए दंड तोड़ा था। अभी आज की क्लास को थोड़ा जल्दी कर रहे हैं, यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री चैतन्य भागवतम की जय। श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय। श्री भक्ति सिद्धांत सरनी ठाकुर की जय। श्री प्रभुपाद की जय।